दिलों याद कीता मेरी जान, आ गया भर जाता सांपो तूफान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं जस्ट अभी उठा हूँ और फ्रेश वगैरह होता हूँ, रेडी होता हूँ। और आज हमने जाना मुगल गार्डन घूमने के लिए, और जैसा भी होगा मैं पूरा बताऊँगा आपको। आप व्लॉग में बने रहना, जल्दी से रेडी हो। तो फाइनली गाइस, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और अब व्लॉग में बने रहना, आज बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा भी होगा तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। और यार, यहाँ पे जाम इतना होता है ना कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखते थोड़ी हैं प्रभा का कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, इन्होंने सीधा ही आ जाते हैं कि जहाँ गाड़ी खड़ी करनी होती है वहीं कर देते हैं। मैं यहाँ से निकल रहा था और मैंने मशीन ये देखी और मैंने सोचा आपको भी बता दूं। ये मशीन जो देख रहे हो ना आप सामने, ये जैसे ये जो घास देख लो, ये डल के बीच में जितना भी गंद होता है पानी के अंदर, गंद वगैरह पानी मतलब ये रुका रहता है ना, तो इसके अंदर घास वगैरह हो जाता है। जैसे वो सामने देखो, ये हरा भरा जो है ये सब पानी है, पानी के ऊपर ये घास है। तो ये मशीनें निकाल के तो लाती हैं, वो देखो बीच में पड़ा भी होगा, ये बीच में देखो ये, और ये चलती है और जितना भी जो घास होता है सारा तो ये पीछे इसके अंदर फेंकती रहती है इसके अंदर। फिर जब आते हैं बाहर तो चेन चलता रहता है और ये इधर आके डाल देते हैं। ये सामने देखो, ये वाली मशीन है जिससे डल वगैरह साफ करते हैं। एक वो सामने देखो साफ़ भी कर रही है, वो बीच में देखो। ओ गाइस, ये मुझे थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सामने आप देख रहे हो ये पढ़ के, और मुझे बताना कमेंट में ज़रूर कि ये क्या चीज़ है। फाइनली गाइस, मैं मुगल गार्डन पहुँच गया हूँ, तो अभी गाड़ी को पार्क करता हूँ तो फिर चलते हैं अंदर, तो आपको भी बताते हैं। गाइस, गाड़ी मेरे सामने पार्क कर दिया, तो अभी हम जा रहे हैं निशात गार्डन के अंदर, तो वहाँ जाके आपको बताएंगे क्या रहता है, कैसा रहता है, और आप व्लॉग में बने रहे। तो यार, पहले गाड़ियाँ उधर ही सामने पार्क हो जाती थी, तो आजकल पार्किंग इन्होंने इधर बना दी है पीछे, और उधर लगा के गाड़ी, तो फिर यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा आगे तक जहाँ पर गार्डन है वहाँ तक। ये मेन गेट है, लेकिन उसके लिए हमें पहले टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए, तो टिकट लेते हैं तो फिर जाते हैं अंदर। लेकिन यार यहाँ पर रश काफ़ी है, देखो ना लाइन लगी हुई है। चलो लाइन में लगते हैं, टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, फिर आपको बताते हैं अगला जो भी होता है। फाइनली गाइस, टिकटें हमने ले ली और 24 रुपये की टिकट है एक, और अंदर चलते हैं फिर आपको बताते हैं। ये आ गया एंट्री गेट, यहाँ पे पर्ची चेक होती है, यहाँ पे पर्ची चेक होती है और उसके बाद अंदर जाने देते हैं। फाइनली यार अंदर आ चुके हैं हम, और सामने देख लो यार कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, इस साइड भी, इस साइड भी। और अभी ऊपर चलेंगे आपको और आगे भी सारा बताएंगे। सामने देखो व्यू कितना प्यारा है यार। तो गाइस देखो कितना रश है, कितना करोड़ है, और कोई स्कूल भी पिकनिक आया हुआ सामने देख लो यार। बचपन याद आ गया बच्चों को देख के यार, हम भी यूनिफॉर्म में होते थे जब पिकनिक जाते थे, और बहुत मैं बोलता हूँ ना, जब छोटे छोटे था बच्चा स्कूल जाता है, और जब पिकनिक का दिन होता है ना जो, वो सबसे खुशी वाला दिन और सबसे अच्छा दिन होता है जिस दिन स्कूल पिकनिक जाता है। और हम ना 1-2 महीना पहले तैयारी करते थे, पहले टीचरों को एप्लीकेशन देनी भाई हमने पिकनिक जाना है, फिर उसके बाद बोला पैसे जमा करो, फिर हम पैसे जमा करते थे, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता था वो भी आ जाता था आखिरी दिन, जिस दिन हम पिकनिक जाते थे। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे पिकनिक करने आए, और देखो कितने खुश हैं सारे, और बचपन बचपन होता है यार। कितना प्यारा गार्डन है, फूल देखो कितने, कितनी किस्म के फूल होंगे। मैं आस्ता आस्ता वीडियो को चलाऊँगा, ये देखो ये देखो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कितनी किस्म के फूल हैं।
यार आप कहीं भी जाओगे ना, ये बहुत बड़ा गार्डन है, वो ऊपर तक है, और आप किसी साइड भी जाओगे ना तो आपको हर जगह हर साइड करोड़ मिलेगा, हर साइड, जिस साइड भी जाओगे, इस साइड देखो, इस साइड देखो, पीछे देखो या आगे, हर साइड करोड़ है और बहुत मस्त गार्डन है। अगर आप गार्डन के अंदर अपना फ़ोटो शूट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे भाई खड़े होते हैं अंदर आते ही, सामने शक्ल देख लो भाई के पास पक्का आना, और सामने ड्रेस, कश्मीरी ड्रेस वगैरह लगा के आप अपना जो फ़ोटो शूट है वो करवा सकते हो। अगर आपको शौक है कि कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो शूट उठाना है तो सामने ड्रेस लगे हुए हैं, वो सामने देखो और आप फ़ोटो शूट जो है वो कर सकते हो यहाँ पे। और ये सारे चिनार के दरख्त हैं सामने देखो यार, सब चिनार के दरख्त हैं, उस साइड चिनार, पीछे जो है सारे चिनार के दरख्त हैं उस साइड में, ये सामने देखो भाई फूल इस साइड। और अभी मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर भी उतना ही करोड़ है जितना मुझे नीचे मिला था। देखो इस साइड के सामने, और ये देखो छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। यार बचपन बचपन होता तभी मैंने आपको पहले भी बताया नहीं है, देखो इस साइड देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे नहा रहे हैं, ये देख के ना तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। और जब मैं छोटा सा था, आज से मान लो 15-18 साल की बात है, उससे पहले मैं आया था और मैं भी भाई इसी तरह यहाँ पर नहाया था, शूज़ उतार के साइड पर रखे थे और पूरा ऊपर से नीचे तक गया था वो उधर तक, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मुगल गार्डन के अंदर, तो मैंने भी ऐसे इंजॉय किया था और मेरे को वो दिन याद आ गया बच्चों को देख के। सारे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं सामने, देखो यार व्यू ही ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ ना जो नहीं भी करता ना उसको भी रहा नहीं जाता। और देखो मैं कहाँ से आया हूँ, वो नीचे से, और ये अभी भी गार्डन जो ख़त्म नहीं हो रहा, अभी और ऊपर है। और देखो हर साइड, जिस साइड आप जाओगे करोड़ ही करोड़ नज़र आएगा, कश्मीर की यही तो खूबसूरती है भाई। सारे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं सामने, देखो यार व्यू ही ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ ना जो नहीं भी करता ना उसको भी रहा नहीं जाता। और देखो मैं कहाँ से आया हूँ, वो नीचे से, और ये अभी भी गार्डन जो ख़त्म नहीं हो रहा, अभी और ऊपर है। और देखो हर साइड, जिस साइड आप जाओगे करोड़ ही करोड़ नज़र आएगा, कश्मीर की यही तो खूबसूरती है भाई। ये फूलों का कलर तो इस बंदे के ऊपर तो पूरा मैच कर रहा है भाई, यार देखो ये खुद भी तो गोरा है ना, इसीलिए देखो भाई रहा ही नहीं जाता कि मैं आपको कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो मैं बताऊं आपको यार, मतलब चीज़ ही ऐसी है यार। जिस साइड जाता हूँ देखो ना पीछे पहाड़, ऊपर देखो यार हरियाली हरियाली, पहाड़ कितने मस्त लग रहे हैं ऊपर, उस साइड भी, इस साइड देखो। यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत सारा घूमे जुमे ऊपर तक, मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा गार्डन है। और अभी वापसी के लिए निकल रहे हैं। फाइनली गाइस हम पोर्ट गेट पे आ चुके हैं, ये सामने रहा और जितना भी घूमे आपको पूरा बताया। और ये सामने जो देख रहे हो ये पूरी डल है, और यहाँ से शायद आपको आपको नहीं मिलेगा, और वो सामने हज़रत बल रहा, और ये पूरा गार्डन का यहाँ से आपको पूरा सीन बताता हूँ। सामने देखो हम वो ऊपर तक गए थे, और यार इतना करोड़ भाई यार आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना करोड़ था, और बहुत मस्त गार्डन है यार। और अभी मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा, और लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि व्लॉग कैसा रहा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए तैयार रहना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।